परिजनों ने युवक को बेड़ियों में जकड़ा। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने पीड़ित को कराया। आजमगढ़ मिर्जापुर विकासखंड के मुलियार गांव के एक व्यक्ति को उसके ही परिवार के लोगों द्वारा जंजीरों से बांधकर घर में रखा गया था। इसकी जानकारी होने पर एसडीएम निजामाबाद मौके पर पहुंचे और उक्त युवक को जंजीरों से आज़ाद कराया। शनिवार को एसडीएम निजामाबाद संत रंजन क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे, तभी किसी ने सूचना दी कि मुलियार गांव के एक व्यक्ति को उसके ही परिवार के लोगों ने ही जंजीरों में जकड़ कर रखा है। इस सूचना पर एसडीएम उक्त व्यक्ति के घर धमक पड़े, जहां उन्होंने आलम नामक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। मौके पर मौजूद उसके पिता बदरुद्दीन ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है, जिसके कारण उसे जंजीरों में बांधकर रखना पड़ रहा है। एसडीएम ने तुरंत उसके हाथ में लगी बेड़ियों को खुलवाया। बेड़ियों के खुलने के बाद आलम की खुशी का ठिकाना नहीं थी। एसडीएम ने जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को फ़ोन कर कहा कि आलम को पेंशन दिलाएं और उसके इलाज पर आने वाले खर्च की व्यवस्था करें। बाइट शतरंजन श्रीवास्तव, एसडीएम निजामाबाद। के दौरान मुड़ियार गांव में मतदाता जागरूकता अभियान का कैंप लगा हुआ था, उसी में एक व्यक्ति आलम ने आकर के बताया कि हमारे ही पिता श्री बदरुद्दीन सलमान साहिद और राशिद मुझको करीब 15 वर्षों से कैद करके रखे हुए। वो व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ अक्षम था, पहले उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई थी, तो पैर में जब जो है उसके कुछ घाव कट गया तो फिर उसके हाथों में बेड़ियाँ डाल दी गई थी। वो उसके उसको जो है हाथों से उसको फ्री नहीं किया जाता था, दोनों हाथों में बेड़ियाँ लगी हुई थी। मैं उसको तत्काल उसके घर गया, उसके पिता को बुलाया, उसके भाई को बुलाया। उसके पिताजी का ये कहना था कि ये कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं, जिससे ये कुछ अजीब अजीब से एक्टिविटी कई बार करने लगते हैं। मैंने दोनों पक्षों के बीच में वार्ता करा करके उसकी बेड़ियाँ तत्काल आज़ाद कराई। उसको इलाज के लिए जो मैंने उसका जो है पेंशन बनवाया, उसको अभी 1000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन मिलेगा और उसका प्रस्ताव भेजा गया है। और इसकी इलाज के लिए जो है बनारस मानसिक चिकित्सालय में इसको इलाज का सलाह दिया गया है। आयुष्मान कार्ड इनका बना हुआ है और जो भी शासन स्तर से इनके दवा और अन्य चीज़ों की जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसका नियमानुसार जो है हम लोग मदद करेंगे।